Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 6. Hope so, you all are fine. My name is Farwa Tariq and I am a science teacher. Aaj hum lecture number 5 start karenge apna. Humne jo chapter start kiya hua tha, that was sources of food. ठीक हो गया. लास्ट लेक्चर के अंदर यानी कि लेक्चर नंबर 4 के अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस की थी. हमें ये देखा था कि हमारे पास जो फूड है वो हम प्लांट से ले रहे हैं और वो प्लांट्स के किन किन पार्ट से ले रहे हैं. बेसिकली प्लांट के भी पार्ट्स होते हैं जो हमने डिस्कस किए थे, डेट वॉज फ्रूट, लीफ, फ्रूट्स, फ्लावर एंड स्टेम. ठीक है, इसके बाद हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी. फ्रूट से हम फ्रूट्स हो गया, इस तरह से चीज़ें ले रहे हैं. लीफ से लीफी वेजिटेबल्स की एग्जांपल देखी थी, जैसे स्पिनच हो गया, पालक इसको कहते हैं. रूट से हम क्या लेते हैं, शलजम हो गया, जैसे कि मूली, गाजर, चुकंदर वगैरह, ये रूट्स की एग्जाम्पल में देखा था. नेक्स्ट हमने स्टेम का देखा था. स्टेम यानी कि पोटैटो ले रहे हैं, इधर से हम पोटैटो ले सकते हैं. सिनेमन यानी कि दालचीनी. हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा डिफरेंट स्पाइसेस जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. ठीक है, यानी कि डिफरेंट मसाले जो होते हैं वो भी हमें प्लांट से मिलते हैं. नेक्स्ट फ्लावर के अंदर हमने एग्जाम्पल देखी थी कॉलीफ्लावर की. क्लियर हो गया. इसके बाद हमने डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया था. हमने कौन कौन से पार्ट्स देखे थे, रूट्स, ठीक है, रूट्स के बारे में देखा था. नेक्स्ट हमने स्टेम के बारे में देखा था. फिर हमने सीड्स के बारे में पढ़ा था. आज हम डिस्कस करेंगे फूड फॉर प्लांट्स. क्या आज हम देखेंगे टॉपिक हमारा क्या है, फूड फॉर प्लांट्स. ठीक हो गया. क्या आपने कभी सोचा है कि जो प्लांट हैं वो अपनी फूड सीड के अंदर स्टोर क्यों करते हैं? वो इसलिए कि जो हमारे पास सीड के अंदर बेबी प्लांट होता है, यानी कि जो प्लांट जो इसने अभी ग्रो करना होता है, पूरा एक प्लांट बनना होता है, पूरा एक ट्री बनना होता है, उसके उसको भी फूड चाहिए होता है. जब बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अपनी फूड कहाँ से लेता है, फिर वो सीड से फूड लेता है. जब अभी बेबी प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो वो अपनी फूड सीड से लेता है, क्योंकि वो अपनी फूड अभी नहीं बना सकता है, क्योंकि वो अभी प्रॉपरली ग्रो नहीं किया. ठीक है, प्रॉपरली वो डेवलप नहीं हो गया, तो वो क्या करता है, वो अपनी फूड सीड से लेता है. ठीक है, वो जब फूड सीड के अंदर स्टोर हो जाती है उसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स. क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स. द फूड इज स्टोर्ड इन द सीड लीव्स कॉल्ड कॉटिलीडन्स. ठीक है, यानी कि जो फूड सीड के अंदर स्टोर होती है जो कि बेबी प्लांट इस्तेमाल करता है फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉटिलीडन. ठीक हो गया. अब क्या करता है, इसके बाद प्लांट सीड की फूड कब तक इस्तेमाल करता है, जब तक उसको उसके वो प्रॉपर फूड बनाने के काबिल नहीं हो जाता. ठीक है, वो हमेशा इसी के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सीड के ऊपर डिपेंडेंट होता है. जो हमारे पास बेबी प्लांट की ग्रोथ होती है सीड से, जो प्लांट की ग्रोथ सीड से होती है उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन. द ग्रोथ ऑफ अ बेबी प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन. यानी कि जिस बेबी प्लांट की ग्रोथ सीड से होती है उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन. ये देखें, ये सीड था हमारे पास बिल्कुल. ठीक है, अभी एनर्जी सारी, फूड सारा इसके अंदर स्टोर था. बेबी प्लांट इसके अंदर से निकलेगा, उसने सारी एनर्जी इसी की इस्तेमाल करनी है जब तक वो नेसेसरी कंडीशंस के अंदर नहीं आ जाता, जब तक उसको नेसेसरी कंडीशंस नहीं मिल सकती. हमने पढ़ा था कि जब प्लांट अपनी फूड कब बना सकते हैं, कब, जब उनके पास सनलाइट हो, जब उनके पास क्लोरोफिल हो, जब उनके पास उन वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले रहे हों, साथ साथ वाटर वो सॉइल से एब्जॉर्ब करें. ठीक है, नेसेसरी जो कंडीशंस थी वो 4 कंडीशंस हमने देखी थी कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर में से एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर को सॉइल से, नेक्स्ट वाज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे मेक देयर ओन फूड दैट इज ग्लूकोज. ठीक है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अब देखें इस स्टेज पे अभी उसकी वो नेसेसरी कंडीशंस उसको नहीं मिलेंगी. ठीक है, वो प्रॉपरली अभी ग्रो भी नहीं किया, प्रॉपरली उसको सनलाइट भी नहीं मिल रही, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रॉपरली नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो कहाँ से सारी अपनी फूड लेगा, सीड से. ठीक है, जब वो प्रॉपरली ग्रो कर जाएगा, यानी कि जब इस स्टेज पर आ जाता है, तो हमारे पास ये पूरा एक प्रॉपर प्लांट जब बन जाता है, इसके अंदर क्लोरोफिल भी हो गया, इसको एटमॉस्फेयर से यानी कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गई, वो वाटर भी एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके साथ साथ उसको सनलाइट भी मिल रही है, तो ये अपना फूड खुद बनाना शुरू कर देगा. तो जो इसकी ग्रोथ होती है, यानी कि जो सीड से बेसिकली एक प्लांट बनता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं जर्मिनेशन. उसको हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन. ठीक हो गया. जो यंग ग्रोइंग प्लांट होता है, यानी कि जो बिल्कुल अभी ऐसे थोड़ा सा बड़ा हुआ पौधा होता है, ऐसे बिल्कुल हम उसको कहते नहीं है कि वो पूरा एक ट्री बन गया, उसको नहीं, जो यंग ग्रोइंग प्लांट होता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग. उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग. अ यंग ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. ठीक हो गया, अ यंग ग्रोइंग प्लांट इज कॉल्ड सीडलिंग. ठीक हो गया. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे
कि जो हमारे पास प्लांट से हम हमारे जो दूसरे पार्ट्स थे उसके अंदर जैसे हमने देखा था कि उसका एक जो पार्ट है, जैसे मैं कभी पीछे करती हूँ इसको, तो अगर आप देख सकें तो जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट बन रहा था वो था फ्रूट, यानी कि फ्रूट हमारे पास किस तरह से हम उनसे एनर्जी ले सकते हैं, किस तरह से उनसे फूड ले सकते हैं। अब फ्रूट्स को अगर आपने कभी देखा हो, यानी कि जैसे एक पिक्चर आपको नज़र आ रही हो इस सारे फ्रूट्स की, तो आप देख सकते हैं कि जो कुछ फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर सीड्स होते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, जैसे आपके पास लेमन हो गया, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, मेलन हो गया, ये लेमन हो गया, ठीक है। ये मैंगोज़ हैं, ये ब्राज़ीलियन मैंगोज़ होते हैं, यानी कि थोड़ी ट्रेडिशन येलोइश कलर्स के होते हैं, जैसे पोमेग्रेनेट होते हैं, इसके अंदर पोमेग्रेनेट हो गया, इसके अंदर सीड हो गया, ठीक है। डिफरेंट हमने फ्रूट्स के बारे में हमें पता है, डिफरेंट उनके अंदर सीड्स होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो कुछ जो ये जो फ्रूट्स जो प्लांट्स होते हैं, यानी कि जो ऐसे प्लांट्स जो कि फ्रूट्स को फ्रूट प्लांट्स होते हैं, यानी कि जहाँ पे फ्रूट्स उगते हैं, वो डिफरेंट एनिमल्स किस को अट्रैक्ट करते हैं। जब डिफरेंट एनिमल्स वो क्या करते हैं, उसको फ्रूट को ले लेते हैं, उस फ्रूट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक हो गया। हम लोग भी फ्रूट्स खाते हैं, हमारे उसके अंदर से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है, डिफरेंट हमें चीज़ें मिलती हैं वहाँ से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हमें वहाँ से मिलती है, इनके डिफरेंट एलिमेंट्स हमें वहाँ से मिलती हैं जो हमारे लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसा करते हैं कि जब वो प्लांट से अपना वो फ्रूट्स ले रहे हैं, जब वो फ्रूट्स ले लेते हैं तो उनके जो सीड्स होते हैं वो फॉर ऑफ एरियाज़ के अंदर उसको साथ साथ वो अपने कहीं 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 वो फेंकते जाते हैं। जब वो किसी फर्टाइल सॉइल के ऊपर वो सीड गिरते हैं तो उससे मज़ीद जब उसको नेसेसरी कंडीशंस मिल जाती हैं उसको, ठीक है, जब उसको फूड मिल जाता है, वो प्रॉपर एक प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, यानी कि उनको भी अपनी डाइट, उनका उनकी डाइट का जो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट पार्ट वो फ्रूट भी है, ठीक है। वेजिटेबल्स के साथ साथ उनको फ्रूट्स की भी ज़रूरत होती है, उसके अंदर उन्हें डिफरेंट एलिमेंट्स मिलते हैं। नेक्स्ट, फ्रूट्स ऑफ द प्लांट यूजली हैव द सीड्स ऑफ द प्लांट इनसाइड दैम, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि काफ़ी सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमें सीड्स मिलते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, जैसे एप्पल हो गया, इसके अंदर भी सीड्स होते हैं अभी कुछ छोटे छोटे से, वाटरमेलन के अंदर भी छोटे छोटे सीड्स होते हैं, ऑरेंज के अंदर भी आपने देखे होंगे, स्ट्रॉबेरी के अंदर देखा, अगर आपने बाहर कभी देखा हो तो बिल्कुल एक क्रंची क्रंची सा जो ऐसे छोटे 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 बर्ड्स बने होते हैं, ग्रेप्स हो गए, चेरी के अंदर भी सीड होता है, मैंगो के अंदर बहुत बड़ा सीड होता है, ठीक है। उसके बाद बनाना, पोमेग्रेनेट, ठीक है, रसबेरी, पपाया हो गया, कीवी हो गया, इनके अंदर भी सीड्स होते हैं, पाइनएप्पल, लेमन, एप्रिकॉट के अंदर भी सीड होता है, ग्रेपफ्रूट के अंदर भी सीड होता है, यानी कि जो चकोतरा जिसको हम बेसिकली कहते हैं, पीच यानी कि आलू हो गया, एवोकाडो, ये थोड़ा हमारे इलाकों में यानी कि इस एरिया में मिलना बहुत मुश्किल है, यानी कि ज़्यादा प्रिजर्व फॉर्म में मिलता है, ठीक है, यानी कि ये ज़्यादा यूरोपियन कंट्री साइड पर होता है। पैशन फ्रूट हो गया, इसके अंदर भी सीड्स होते हैं, प्लम यानी कि आलू खारा, इसके अंदर भी सीड होते हैं, लाइम, ठीक है, ये भी लेमन की ही एक स्पीशी है, इसके अंदर भी सीड होते हैं, ब्लूबेरीज के अंदर भी, लीची के अंदर भी सीड होता है, एंड नेक्स्ट फिक यानी कि अंजीर के अंदर भी, ऐसे थोड़ा से छोटे छोटे सीड्स होते हैं, यानी कि ये कुछ देखे हमने, कुछ ऐसे फ्रूट्स देखे जिनके अंदर सीड्स होते हैं, ठीक होते हैं। कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको हम एज अ वेजिटेबल ले रहे होते हैं लेकिन वो वेजिटेबल नहीं होती, वो वेजिटेबल नहीं होती एक्चुअली, वो फ्रूट्स होते हैं लेकिन हम उसको एज अ वेजिटेबल लेते हैं। उनकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे टोमेटोज़ हो गया, ठीक है, टोमेटोज़ का भी अब देखें तो हम उसको सब्ज़ी में ही कंसिडर कर रहे होते हैं, जैसे पम्पकिन जिनके जो कद्दू होते हैं जिनसे हलवा भी बनाया जाता है, इसको वैसे भी पकाया जाता है, ठीक है, सिर्फ हलवा बनाने के लिए, मीठा बनाने के लिए नहीं, इसको हम वैसे भी पकाते हैं एज अ जो ग्रेवी होती है उसके तौर पे भी, ठीक हो गया। इसका भी सालन जैसे आप लोग आपके ज़बान में कहा जाए, ठीक है। एग प्लांट यानी कि ये जो बैंगन होते हैं ये फ्रूट्स होते हैं लेकिन हम उनको एज अ वेजिटेबल लेते हैं, ठीक हो गया। अभी हमने देख लिया फ्रूट्स का, नेक्स्ट हमें जो प्लांट से दूसरी चीज़ मिल रही होती है वो मिल रही होती है वेजिटेबल्स, ठीक है। फ्रूट के साथ साथ हमें वेजिटेबल्स भी मिल रही होती हैं, ठीक है। वेजिटेबल्स को भी हम एज अ फूड इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास वेजिटेबल्स आर अनदर टाइप ऑफ प्लांट मटेरियल दैट इज़ कॉमनली ईटन एज फूड, ठीक है। वेजिटेबल्स को भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियाँ, जैसे आलू हो गया, मटर हो गया, गाजर हो गया, और डिफरेंट सब्जियाँ होंगी, कद्दू हो गए, जो भी आप चीज़ें इसमें लेना चाहें। देखें आपके किचन के अंदर, आपके फ्रिज के अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स ऐसी पड़ी होंगी जिसको आप देख सकते हैं। वो हम क्या करते हैं, वो भी देखें, हम फूड ले रहे हैं ना, उधर से भी हम उसको खाते हैं, उसको पकाते हैं, फिर हम खाते हैं, हमें एनर्जी मिलती है वहाँ से। कुछ इसके अंदर हमारे पास रूट वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि जो रूट यानी कि जो ज़मीन के अंदर उगती हैं, यानी कि जिसके अंदर रूट्स की
उनको हम क्या कहते हैं, टर्निप, यानी कि शलजम हो गया, रेडिश मूली हो गया, इस फॉर्म में भी मूलियाँ होती हैं ऐसे रेड कलर, रेडिश कलर, रेड कलर की, एंड देन छोटी छोटी अंदर से ये बिल्कुल वाइट होती हैं। कुछ हमने जो लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी वो हमने वाइट रेडिश की एग्जांपल ली थी, इसके साथ ही ये भी मूलियों की एक स्पीशी है। नेक्स्ट हमारे पास कैरेट हो गया, यानी कि गाजर, ठीक है, यानी ऑरेंज कलर में भी होती है, रेड कलर के अंदर भी होती है, ठीक हो गया। ये हमने रूट वेजिटेबल्स देख ली। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लीफ वेजिटेबल्स, यानी कि लीफ वेजिटेबल्स, यानी कि जो लीफी लीफी पार्ट होता है वहाँ से हमें मिलती हैं लेटस, यानी कि जो सलाद का पत्ता होता है, ठीक है, ये आपने देखा होगा अक्सर हम सैलेड के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्पिनच हो गया, यानी कि पालक हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कोरिएंडर, यानी कि धनिया हो गया। इसके साथ हम मिंट की भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे पुदीने की, पार्सले की, डिफरेंट एग्जांपल्स इसके अंदर आ सकती हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास स्टेम वेजिटेबल्स हो गई, जैसे बैम्बू शूट, ये हमारे इलाकों में कम है, लेकिन अगर हम थोड़ा नॉर्दर्न साइड पे मूव करें ये वहाँ पे मिलती हैं। थोड़ा अगर हम ये जो चाइनीज़ कुजीन है इसके अंदर इसका बहुत इस्तेमाल है, चाइनीज़ लोग इसको बहुत खाते हैं बैम्बू शूट्स को, ये भी एक हमारे पास स्टेम वेजिटेबल है। एस्पेरेगस, ये भी हमारे कंट्री में कम होती है, यानी कि हमारे एरिया में भी कम होती है, ये हमें ज़्यादातर प्रिजर्व फॉर्म में, ये एक्सॉटिक वेजिटेबल्स हैं, यानी कि ये यहाँ पे इनकी जो कल्टीवेशन है वो कम है, लेकिन इनको हम प्रिजर्व फॉर्म में मिल जाती हैं, या हम बड़े स्टोर्स पे देखें, यानी कि बड़े शहरों में अगर बात करें तो ये वहाँ पे भी होती हैं, ठीक हो गया। यानी कि ठीक हो गया, सिनेमन जैसे स्पाइसेस, डिफरेंट स्पाइसेस के एग्जांपल्स पहले भी हमने देखी थी, सिनेमन यानी कि दालचीनी, ठीक है, ये एक मसाला, ये भी हमें स्टेम वेजिटेबल है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इन्फ्लोरेसेंस वेजिटेबल्स हैं, यानी कि फ्लावरी वेजिटेबल, यानी कि जो फ्लावर पार्ट्स हैं हमें मिलती हैं, जैसे ब्रोकली, ब्रोकली एक बिल्कुल जैसे कॉलीफ्लावर है, ये गोभी जो आप देखते हैं, फूल गोभी आप नॉर्मली देखते होंगे, बिल्कुल इसी की फॉर्म में होती है। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है वो इससे ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक हो गया, यानी कि यह ज़्यादा मज़े की लगती है वैसे इससे, बस इसका अंदर ये है कि ये डार्क ग्रीन कलर में होती है, एंड दिस इज वाइट स्टोन, ठीक हो गया। एंड ये क्लोरीफ्लोर एंड ब्रोकली, इसकी फ्लावर जो पार्ट है, प्लांट का फ्लावर पार्ट है, वहाँ से हमें मिलती हैं, ठीक हो गया। इसके बाद हमने ये चीज़ें सारी देख ली, हमने देखा, हमने सारे डिफरेंट पार्ट्स को डिस्कस किया जो हमारे पास रह गए थे। हमने देखा कि प्लांट्स का जो फूड होता है वो कहाँ से उनको मिलता है, कैसे वो ग्रो करते हैं, शुरू में जब बिल्कुल वो सीड से जब एक प्लांट बन रहा होता है किस तरह से बनता है। फिर हमने उसके बाद देखा कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो हम ले रहे हैं प्लांट से, ठीक है, एज अ फूड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम किस किस तरह की हो सकती है, उनकी एग्जांपल्स देखी। वो हमने देखा कि कौन कौन से पार्ट्स हमें मिलती हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी लेबल डायग्राम बनानी है प्लांट की, यानी कि जैसे मैंने बनाई हुई है, जैसे इस वीडियो के अंदर आपके पास है, आप इसको दोबारा से देख सकते हैं बिल्कुल स्टार्ट से, ठीक है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, जब डायग्राम बना लेनी है तो उसके अंदर आपने, मैंने आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की काफ़ी सारी एग्जांपल्स दी, उसके अलावा भी आप अपनी जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की एग्जांपल्स को कंसीडर करके अपनी जो आपकी फेवरेट वेजिटेबल या फ्रूट है उसको देखेंगे कि कौन सी है और वो किस पार्ट से आपको मिल रही है, वो रूट है या वो वेजिटेबल की अगर हम बात करते हैं, वो रूट से मिल रही है, स्टेम से ले रहे हैं आप, या उसको लीफी वेजिटेबल है तो वो आपकी सबसे फेवरेट वेजिटेबल क्यों है, इसके बारे में आप थोड़ी सी एक दो लाइन्स में, दो तीन लाइन्स में इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा या किसी भी शीट के ऊपर, ये काम आपका छुट्टियों के बाद चेक किया जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।